वीडियो आज का अच्छा होगा। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अभी हम लोग के हो रहे हैं गिफ्ट पैक, पीछे इग्नोर करना, कपड़े सारे धुले हुए ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बारिश हो रही है दो दिन से, तो इस चक्कर में सोचा था जो गिफ्ट है पैक कराने बाहर जाऊंगी, उस दिन लेके आए थे आप लोग को दिखाया भी था, लेकिन वो पैक कराने नहीं जा पाए, बारिश हो रही थी। तो सोच रही थी क्या करूं, तो सोचा इतनी सारी ये देख रहे हो ना गिफ्ट वाली पन्नियाँ रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो हम लोग ये पैक कर लेते हैं, यानी कि मैं नहीं मेरे हस्बैंड पैक कर रहे हैं। तो एक पैक हो चुका है, दूसरा पैक कर रहे हैं, तीसरे को पैक करना नहीं, और देखो क्या क्या पैक करते हैं बैठ के। तो ब्लॉग आज अच्छा होगा, कोशिश करेंगे कि आगे का ब्लॉग मैं शूट कर पाऊँ, आप लोगों को कुछ थोड़ा थोड़ा शूट करके दिखा पाऊँ। तो प्लीज़ बिल्कुल भी ब्लॉग को स्किप मत करना और हमारे ब्लॉग तक लास्ट तक बने रहना। और तुम कहाँ गया इसका ये, और एक मिनट अभी कर रहे हैं बात। पता है सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है टेप की, मैं बैठ के ना सीजर से टेप कट कर रही हूँ। दो कट और दो तीन काटे दे रहे हैं ना, ला 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 ला। अभी तैयार होना है, एनी को भी रेडी करना है। तो अभी कितना बज रहा है, 6 बजा हुआ है और बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे रात होने जा रही है, 7-8 बजे ही अंधेरा होता है। पैक हो गया, ये मेरा गिफ्ट पैक हो गया। तो दो गिफ्ट पैक हो गए हैं, एक ये और एक ये आप लोगों को दिखाना था। तो इसमें मैं ड्रेस लेके आई थी, तो वो रखी हुई है, तो ड्रेस को पैक नहीं करना, ऐसे ही ऊपर से दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। जब ब्लॉग बना ही रहे हैं तो मैंने कहा था आज ओपन करेंगे, आज दिखाएंगे। तो मैं ड्रेस लाई थी, शॉर्ट्स पैंट्स जो आते हैं हॉट पैंट बच्चों के, और वो टी शर्ट ऐसी दूर से देख लो, ये पैंट्स है और ये वो टी शर्ट है। तो ये मैंने, ये पैक मत करो रहने, करोगे क्या? क्यों नहीं करेंगे बताओ ना, बस इसका जवाब दे दो मुझे। ऐसे ही है क्या, क्या पैक करना? हाँ तभी कह रहे हैं बस को मत करो। तो ये हो गए हैं गिफ्ट, और अभी कुछ मंगाएंगे तो वो भी पैक करेंगे। तो ब्लॉग में पूरे बने रहना, ठीक है? बादल एनी को भी रेडी करना, बादल देख रहे हो ना, अभी मुझे बाल भी सुलझाने हैं, समझ में नहीं आ रहा, मैं भी कुछ डिफरेंट सा पहनती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मैं दिखाती जाऊँगी और बहुत सारी बातें भी करती जाऊँगी। ओके मेरे साथ ना फुस लगे हुए हैं, और मेरे साथ ना हमेशा ये होता है, लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर से अगर हम प्रेस करेंगे तो इन्वर्टर डप हो जाएगा। तो समझ में नहीं आ रहा, एक्चुअली मैंने राजस्थानी ड्रेस निकाली हुई है तो पहनने के लिए, अपने लिए भी तो अपनी बिटिया के लिए भी, ये देखो ये उसके लिए निकाली है, अपने लिए निकाली, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है सबसे बड़ी, इसमें नहीं है प्रेस, प्रेस करनी है, इसमें प्रेस ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। टाइम हो गया है 7:15 और प्रेस नहीं है, क्या करूं, देखते हैं क्या करना है। ऐसे सुकड़े हुए कैसे पहनेंगे कपड़े, मेरे साथ हमेशा हर बार का यही रोना होता, तो आप लोग के नॉलेज के हिसाब से हम बता देंगे कि किसकी बर्थडे पार्टी में हम जा रहे हैं, क्या है कहाँ है। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उनको नहीं पता होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं सारी डिटेल आप लोगों को दे दूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी हैं, तो अभी तो बलून फुला रहे हैं और कुछ डिफरेंट सा बना रहे हैं। तो एक गिफ्ट और पैक हो गया ये वाला, तो सारे गिफ्ट एक तरफ रखते जा रहे हैं और बलून एक तरफ फुलाते जा रहे हैं। और गर्मी बहुत कम, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, बाहर निकलो तो अच्छा है, अंदर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी हो रखी है। आ गई, भागो भागो भागो, वो गाना कौन सा है, भाग भाग दौड़ा दौड़ा सा, भाग भाग दौड़ा दौड़ा सा। अब जल्दी मैं फटाफट कर लेती हूँ प्रेस, लगा देती हूँ, जल्दी करती हूँ, जल्दी फटाफट। मेरी प्रेस बहुत पुरानी है, ये पुरानी चीज़ अच्छी होती है, बहुत पुरानी है, अब नहीं लूंगी मैं, जल्दी 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 जल्दी
वरना लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकती है, क्योंकि वैसे तो सब चल रहा है, प्रेस नहीं चलती है ना, प्रेस चल जाएगी इन्वर्टर तुरंत बोलने लगता है ना, वो चीज होती है। तो मैं और मेरी बिटिया रानी दोनों लोग एक जैसे पहनेंगे कपड़े, मेरा तो चल जाएगा बिना प्रेस के, लेकिन मेरी बिटिया का ना चलेगा, उसका तो प्रेस करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ मैं अभी प्रेस कर रही, दिखा दो आगे इधर। हाँ ठीक है, चलो मैं प्रेस करती हूँ, फिर आप लोग से मिलूंगी। दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने ये ऐसा मेरा गेटअप आया, जल्दी जल्दी से रेडी होगी, महावर अभी नहीं लगाई है मुझे। एनी मेरी कहाँ है, मेरी इन्नू भी रेडी हो गई है, एनी भी रेडी होगी, हेलो कर दो। हाँ हाँ एनी ने बैली पहन के रखा है। हाँ तो चलो फटाफट से चलते हैं, कॉल भी आ चुकी है, तो मैं फटाफट पे वहाँ पे पहुँचती हूँ और सिंपल सा लुक मैंने किया है, ऐसे सिंपल से जल्दी फटाफट रेडी होगी, टाइम हो रहा है, जारी जारी जारी। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं बर्थडे पार्टी में, और यहाँ पे अवनी की बर्थडे पार्टी में आए हैं, आप लोग जानते होंगे प्रीति को, कोमल को, अवनी को, जो नहीं जानता है न्यू सब्सक्राइबर है उनको भी पता चल जाएगा ये प्रीति को देख के ही। और मैं काफ़ी बार जैसे कि अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ प्रीति से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखो माला भी पड़ गई है बड़े आराम से, पिछली बार तो बहुत रो रही थी है, और इस साल 2 साल की हो गई है तो आराम से टीका हो रहा। हमारे यहाँ का रीति रिवाज यही होता है, सबसे पहले ऐसे ही टीका होता है, तिलक होता है मतलब, और फिर और ये ब्लॉग थोड़ा सा मेरा पुराना है और पीछे से एनी बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रही है अपना। बेटा एक मिनट शांत रहो, एडिटिंग करने के टाइम, और मैं रात में बैठ के ही एडिटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे बस टीका वगैरह हो जाएगा उसके बाद ही केक कट होगा। तो मेरे पास क्लिप बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने शॉर्ट्स कर करके कुछ आप लोगों के लिए दिखाया हुआ है, तो आप लोग इन्जॉय करो। सारा एंजॉय हो चुका है और डांस भी हो गया है, डांस बच्चों का भी बहुत डांस था, हमारा भी डांस थोड़ा बहुत था, बट वो मेरे को ट्रिम करनी पड़ी है, थोड़ी सी स्किप करनी पड़ी है, और अब केक कटने जा रहा है क्योंकि आप लोगों को बताया है थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो रहा था इसलिए मुझे शॉर्ट में करना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि आप लोग को मैं बोर करूँ, वैसे भी बहुत कम लोग हो गए हैं मेरे वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं अपना प्यार बनाए रखें ऐसी हमारे वीडियो पे। और अब ये 2 साल की हो चुकी है तो केक कटने जा रहा है और ड्रेस भी इसकी चेंज हो गई है, तो बस आ गए हैं अपनी के मम्मी पापा तो केक कट कराएंगे। तो केक कट कराने के बाद सब लोग, बच्चों का यही होता है, और एनी, हाँ एनी का हमारा क्या है, बड़ी एक्साइटमेंट रहती है किसी का भी बर्थडे हो, बहुत मुश्किल से मैंने उसको रोका, कह रही थी केक बाद में काटना, पहले मुझे खाने को दे दो, और मतलब उसमें उंगली टच कर लेने दो या मेरे से कटवाओ, ये सब चल रहा था। और यहाँ पे बलून फोड़ रहे थे तो वो अभी नहीं डर रही थी, तो सब लोग रोक रहे हैं कि बलून मत फोड़ो, रहने दो, वो डर जाती है। तो बस नॉर्मल सा सिंपल तरीके से घर में ही बर्थडे कर लेते हैं क्योंकि इतना वो कोरोना टाइम पे होता नहीं है कि ज़्यादा बड़ा फंक्शन कर पाए, तो छोटे छोटे फंक्शन घर में कर लो, मिल बांट के अच्छे लगते हैं, खुशी होती है, तो इस तरीके से सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँ, बहुत जगह लेके जाऊँ, बट जितना हो पाता दिखा रही हूँ। और हाँ मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हमारे वीडियो कुछ थोड़ा लेट आ रहे हैं और पेंडिंग में भी चल रहे हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। यहाँ पे मम्मी जा गई हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए और सब अपना अपना आएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, गिफ्ट देंगे, बस घर ही घर के लोग हैं,
तो यहाँ पे एनी पहुँच गई अपना गिफ्ट देने के लिए, वहाँ पे मम्मी ने दिया है, तो सब एक एक करके अपना फोटो सेशन चल रहा है। तो माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। मैं बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। ऑब्वियस मैं उस मौके की तलाश में हूँ, वो मौका मुझे मिल जाएगा तो मैं गुड न्यूज़ आप लोगों को जल्दी सुनाऊँगी। तो अभी उस वजह से ही मैं थोड़ा मेरे ऊपर वर्कलोड हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। चलो आप लोग इंजॉय करो और मेरे वीडियो कंटिन्यू देखो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। आई होप कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। और बच्चों का ये देखो सेलिब्रेशन बच्चों के लिए ही होता है, बच्चों के चेहरे पे एक खुशी हो जाती है, मुस्कुराहट हो जाती है ना। ये देखो पूरी ड्रेस इसने केक में गंदी कर ली, तो पूरा केक हटा दिया गया है। और इसके बाद मैं आऊँगी, मैं फ़ोटो सेशन कराऊँगी सबका, एक एक करके हो रहा है भाई, तो होना भी चाहिए। इंजॉय करो, चिल मारो, है ना। और क्या कहूँ आप लोगों से, बस आप लोग यार प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, मैं बोर नहीं करना चाहती। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ यार क्यों इतना प्यार कम कर दिया है मेरे लिए, ऐसा मत करो ठीक है, बिल्कुल भी मत करो। मैं बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी और जल्दी ही बहुत ही धमाकेदार ब्लॉग आएंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, सब्र कर लो, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो बहुत जल्द आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमारे ब्लॉग में। तो चलो आप लोग इंजॉय करो, केक कट चुका है, फोटो सेशन भी हो चुका है, तो आगे का देखते हैं और मिलते हैं। ओके एक एक बच गया, बच गया। कह रही क्या हुआ, खाना तुम्हें भिंडले याद है। तो अभी आ गए हैं ये भी, बस अभी खाना पीना होने जा रहा है, तो ये खाना पापा के लिए जा रहा है और मम्मी खा के चली गई हैं। तो अभी मेरा और मेरे हस्बैंड का हो रहा है, तो खाने में दिखाते हैं क्या क्या कोमल ने बनाया हुआ है। सच में बेचारी लगी रहती है पूरा दिन, देखो लगी थी। देखिए गाइस यहाँ पे खीर है, पनीर की सब्जी है, सूखी सब्जी है, रायता है, पूड़ी है। तो बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, बहुत इंजॉय किया। और आप लोग प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब यार कर दिया करो, रात का भी बज रहा है 9:30। और चलो खा के मिलते हैं फिर, हैं कैसे देखने हैं। अभी बाय नहीं, अभी मम्मा बात कर रही हैं। तो किस टाइप के वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ठीक है। तो मैंने नॉलेज के लिए बता दिया किसके बर्थडे में गए थे, थोड़ा सा इन्जॉय किया, ज़्यादा नहीं मैंने शूट कर पाया। और रील्स में वहाँ पे नहीं बना पाई थी क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर कर रही हूँ, बड़ी बच्चों में हालत ख़राब, तो अभी बस कपड़े वपड़े चेंज करूँगी और फिर नाइट में मेरे पास बहुत काम होते हैं वीडियो एडिटिंग के। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो हमारे चैनल पे एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाय बाय।